हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटी गेनर्स अगेन। और बहुत दिनों के बाद आज मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। डिटेल्ड वीडियो मतलब आपने मेरे पहले बहुत ऐसे साइज में थोड़ा बड़े वीडियोस देखे होंगे, वैसा ही वीडियो आज बनने वाला है। और ये वीडियो एक बेसिक पर्सन के लिए भी है जो बहुत नया मार्केट में आया है, क्योंकि सब लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, उन सबको इसका एडजस्टमेंट सब कुछ सीखने का बहुत ही वो रहता है कि ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा। तो टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बिल्कुल डिटेल में स्ट्रैंगल को एडजस्ट करने के बारे में, स्ट्रैंगल होता क्या है, प्लेस करने के बारे में, कब करना बेहतर होता है, कब नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो हो सकता है बड़ा हो बट आपके फायदे ही आएगा कभी ना कभी। तो मुझे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सीखने में भी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो जो लोग अभी यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम थीटा गेनर्स को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो डायरेक्टली। और अगर आपको कभी भी लाइव मार्केट में अपडेट्स सुननी हो, जाननी हो, या कोई ट्रेड आप कर रहे हो उसको फॉलो करना हो, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे थीटा गेनर्स को सर्च करो। आपको एक 87,000 मेंबर्स का एक चैनल मिलेगा, आपको वहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्ट्रैंगल को मैनेज कैसे करते हैं, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। पहली बात आप हमेशा याद रखो कि स्ट्रैंगल जो होता है वो ना स्टॉक स्पेसिफिक होता है ना इंडेक्स स्पेसिफिक होता है। वो स्ट्रैंगल बोले तो क्या, एक पुट बेचना एक कॉल बेचना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने एक स्टॉक का बेचा है या फिर आपने एक इंडेक्स का बेचा है। तो इस घपले से सबसे पहले बाहर जाओ कि स्टॉक का स्ट्रैंगल मैनेजमेंट क्या होगा, इंडेक्स का क्या होगा। अरे दोनों का सेम होता है, स्ट्रैंगल मैनेजमेंट जैसा ही होता है, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड पे बराबर से इसको समझने वाले हैं कि स्ट्रैंगल कब बनाए, कब ना बनाए, कब बेहतर है, कब बुक करना है, सब कुछ, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद आपको मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा डेस्कटॉप पे, एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कि कब कैसे करना है, ठीक है, ओके। तो चलो अभी हम बोर्ड पे मिलते हैं, बोर्ड पे देखते हैं कि कैसे ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके गाइस, सो अभी देखो मैं आपको बिगिनिंग टू एंड स्ट्रैंगल का सबसे पहले क्या बताता हूँ, ओपनिंग पार्ट, कि अगर कोई स्ट्रैंगल आपको डालना है या उसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आती है बात कि अगर कोई भी स्ट्रैंगल होता क्या, तो स्ट्रैंगल बेसिकली इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल सोल्ड। पुट एंड कॉल सोल्ड मीन्स वन पुट एंड वन कॉल सोल्ड, ठीक है। अब वन पुट कॉल किधर, अब स्ट्रैंगल तो वैसे देखो अगर ये मार्केट है ये यहाँ पे यू कैन से लाइक 18,000, तो अगर आपने यहाँ पे 18,100 का कॉल बेचा है एंड 17,900 का पुट बेचा है, पी एंड सी, दिस विल मेक वन स्ट्रैंगल। आपने एक पुट बेचा है, आपने एक कॉल बेचा है, ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, एक स्ट्रैंगल। ये कैसे भी हो सकते हैं, आपने ये पुट बेच दिया होता या ये कॉल बेच दिया होता, एवरीथिंग ये कहलाएगा स्ट्रैंगल। अगर आपने बिल्कुल एट द मनी पे इन दोनों को बेच दिया होता पुट एंड कॉल को, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक स्ट्रैडल, ठीक है। तो बेसिकली हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रैंगल की। तो मैं एक बेसिक एग्जाम्पल लूंगा, ओके, कि हमने बेसिक एग्जाम्पल भी क्या एग्जाम्पल लो जो इंसान करता है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि एक जो नया बंदा है जो मार्केट में आया है वो क्या करता है, वो फार आउट ऑफ द मनी से बचते बचाते बिल्कुल डर डरा के एक स्ट्रैंगल सेल करता है। जैसे कि अगर, और गाइस मेरे हिसाब से मतलब आपको कॉल पुट ये सब पता है, ठीक है, मैं तब ये वीडियो बता रहा हूँ। 18,000 पे अगर आपकी मार्केट है, तो एज एन लाइक ओपनर, लाइक जो अभी अभी मार्केट में है और अभी अभी कहीं से उसने स्ट्रैंगल, बहुत बेसिक स्ट्रेटजी, सबसे बेसिक स्ट्रेटजी स्ट्रैंगल होती है, जो एक्चुअली सबसे बेसिक है बट सबसे ज़्यादा यूज भी की जाती है, समझ रहा ना। तो ये नेकेड है, कहने को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कि ब्लैक स्वान इवेंट होगा, ये होगा वगैरह वगैरह, बट तब भी दुनिया भर में लोग यूज करते हैं और तब भी काम चल रहा है, तब भी लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना कि अगर इस दिन ऐसा हुआ तो क्या होगा, कमाते भी तो है ना लोग, तब भी तो छोड़ेंगे ना उसको, अगर कमाएंगे नहीं तब अगर लॉस हुआ तो बात अलग है, वो आपकी ऐसी किस्मत हो जाती है। कई लोगों की जो नया नया शुरू करते हैं और उन्होंने स्ट्रैंगल बेचना स्टार्ट किया और लगातार 3 बार उन्हें लॉस हो जाता है, फिर उन्हें क्या लगता है कि स्ट्रैंगल बेकार है, बट क्या लोगों ने पैसे नहीं कमाए, लोगों ने पैसे कमाए हैं, आज भी कमाते हैं, आगे भी कमाते रहेंगे, ठीक है। तो 18,000 अगर मार्केट चल रही है, तो मैंने एक 18,500 का क्या बेचा, कॉल, और मैंने इधर एक 17,500 का बेचा पुट, P
पी जिसको बोलते हैं, एक एक लॉट अगर मैंने बेचा तो दिस विल कॉल्ड एज अ स्ट्रैंगल। क्लीन, तो स्ट्रैंगल बनता है ऐसे। अब जहां तक बात करें बजट की कि एक स्ट्रैंगल कितने में बनता है, तो अगर हम बजट की बात करें तो एक स्ट्रैंगल आज के जमाने में आपको लगभग 1.5 लाख में निपट जाएगा, लगभग 1.6 लाख में आपका स्ट्रैंगल बन जाएगा 1 लॉट का। ठीक है, अब बात ये आती है कि स्ट्रैंगल से कितना पैसे का बुकिंग करें क्या ना करें। तो मैं पहली बात बताऊँ, अगर आप एक नेकेड स्ट्रैंगल सेलर हो तो फुल मनी के साथ नेकेड स्ट्रैंगल करना ये एक बहुत बुरी आदत है और कभी कभी आप पे बहुत भारी पड़ेगी। तो जैसे मतलब मैं मान लेता हूँ कि अगर आपके पास नॉर्मल एग्जाम्पल 10 लैक्स है तो मोस्टली गो फॉर लाइक 6 लैक्स। 6 लाख में जितने लैक्स बने, जैसे कि मोर ओवर आई थिंक 4-4 लॉट्स अराउंड या 5-5 लॉट्स या 6-6 लॉट्स, 6 लॉट्स बन जाएंगे आराम से। तो 6 लाख का यूज करो, ओके, 6 लाख के यूज में जो बन रहा है उतना करो, 4 लैक्स को बचा के रखो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप फुली एक्सपोज नहीं होगे मार्केट में और कभी गलती से कुछ गलत कुछ हो गया या कुछ ऐसा मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर गई तो आपको कोई ऐसा लॉस ना हो जो आपको तकलीफ दे। तो इसके लिए 60% यूज करना इज इनफ। और कई लोगों की दलील होती है कि सर मेरे पास 10 लैक्स है बट मैं अगर 6 लाख यूज करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे। देखो आपको ना कमाने कितने, 10 लाख में से अगर मेरी मानो तो कमाने कितने आपको 4%, 4% मतलब होते हैं 40,000। ठीक है, जहां तक मुझे पता है 6 लॉट के हिसाब से अगर आपने बहुत ही बेसिक स्ट्रैंगल भी बनाया है और 6 लॉट का है तो एक लॉट में नियर टू एक स्ट्रैंगल में लगभग 2,000 रुपये के आसपास बनते हैं और 6 लॉट के हिसाब से लगभग 12,000 के आसपास। ये कहां बन रहे हैं, लगभग 12,000 के आसपास बन रहे हैं आपके वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये होते हैं 12 × 4, ये लगभग 48,000 के आसपास होते हैं। By using 6 lakh also, आप इस सिनेरियो पे पहुंचोगे तब भी वो आपके 10 lakh के 4% के बराबर होते हैं। तो थोड़ा सा ये सोचो कि आपको कमाने कितने हैं, ये वो सोचो कि पूरे ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे लगाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 1.6 lakh के आसपास एक तरीके से आपको लगेंगे अगर पर लॉट के हिसाब से आप जाओ। अब बात आती है कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग की भी बात आती है कि प्रॉफिट बुकिंग कब। तो प्रॉफिट बुकिंग मोस्टली आप 50% के कलेक्शन पे कर सकते हो। मतलब जैसे आपने कोई स्ट्रैंगल बनाया और उसका होल प्रॉफिट आपका है 4K, मतलब 4,000। तो अगर आप 2K क्रॉस कर गए हो इन प्रॉफिट तो इफ यू वांट यू कैन लीव इट और आप नेक्स्ट स्ट्रैंगल पे जा सकते हो बेसिकली। ठीक है, बेस्ट टाइम टू डिप्लॉय स्ट्रैंगल, बेस्ट टाइम टू डिप्लॉय। तो बेस्ट टाइम आपको मैं सिंपली बता दूं कि जब भी आपको कभी भी मार्केट में अगर IVP बहुत हाई दिखती है, बहुत हाई IVP का मतलब मान लो कि अगर आपको IVP कभी भी ऐसा लगे कि नियर या अबव 23 के ऊपर है निफ्टी की बेसिकली। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी की देखी जाए तो 30 अबव है तो ये बहुत ही हाई IVP मानी जाती है। ऐसा आपको रेयरली देखने को मिलेगा बट मैं बता रहा हूँ अगर ये बहुत हाई IVP है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या हाई मिलेगी, प्रीमियम्स वगैरह बहुत हाई मिलेंगे। और हाई प्रीमियम मीन्स बेटर रेंज, बेटर ब्रेक इवेंट्स ऑफ अ स्ट्रैंगल। ओके, तो वैसे में आपके ज़्यादा एक तरीके से मान लो सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप हायर IVP पे ट्रेड्स डालते हो। ठीक है, बट ऐसे IVP आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। ठीक है कि आपको हमेशा मिलते रहे, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ अगर हायर IVP चल रही है तो चांसेस आर बेटर टू गो विथ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रॉब्लम है हमारा, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि मार्केट अगर ड्रॉप कर रही होती है ना और IVP बहुत तेजी से बढ़ी या फिर विक्स सूट अप कर गई और प्रीमियम्स इंक्रीज हो गई हैं, हम एक्चुअली ये समझ ही नहीं पाते कि बेसिकली स्ट्रैंगल अगर हम उस टाइम पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट डर के मारे हम नहीं करते हैं क्योंकि पैनिक होकर कि अगर और गिर गया और गिर गया और गिर गया करके हम उसको बनाते नहीं है। बट एक्चुअली में क्या होता है, विक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऐसे ऐसे करके ना ऐसे गिरती है और जो लोग ऐसे चढ़ते में स्ट्रैंगल बनाते हैं उनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और वही आगे सक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उस चीज़ का फायदा उठाना है जिस चीज़ से लोग डरते हैं, तब जाके हम डिफरेंट बनेंगे। अदरवाइज अगर हम भी उसी सेम लीग में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फायदा उठाना सोचो। जैसे कि एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर मनाता है कि मार्केट गिर जाए और हम घबराते हैं कि कहीं मार्केट ना गिर जाए,
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसीलिए वो आगे और हम पीछे। ओके, अब इस ट्रायंगल को एक्चुअली अगर हमने प्लेस भी कर दिया, प्लेस करने के बाद इस ट्रायंगल के बहुत ही कुछ बेसिक फंडे हैं, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रायंगल आप इंडेक्स पे बनाओ या स्टॉप पे बनाओ, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। आप बेचने वाले एक पुट और एक कॉल हो, आपने मुझे भी बहुत बार देखा होगा एक कॉल एक पुट किसी भी साइड से कहीं भी कितनी भी दूर का सेल कर दिया, ठीक है। तो कुछ रूल्स जो इन दोनों पे लागू होते हैं बराबरी से, जैसे प्लीज ट्राई टू डिप्लॉय स्ट्रेंगल दैट इज 45 DTE अवे। DTE बोले तो डेज टू एक्सपायरी। ओके, 45 DTE तो इसका मतलब है कौन सा स्ट्रेंगल है, दिस इज कॉल्ड मंथली स्ट्रेंगल, ठीक है। मैनी डोंट प्रेफर इट इन इंडियन मार्केट, बट यही है जो चलता आया है, चलता चला आएगा। तो दैट इज 45 DTE, दैट इज मंथली स्ट्रेंगल, जो अगर आप न्यू हो तो आपको मैनेज करने में थोड़ा आसानी होगी और आप आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा पुराने हो चुके हो और वीकली ऑप्शंस से थोड़ा मिलन आपका ठीक ठाक है, तो यू कैन ट्राई गोइंग फॉर लाइक फ्राइडे टू थर्सडे वीकली ऑप्शंस आल्सो। ओके, जहां तक मेरा जानना है अभी तक, अगर आप रेंज फाइंड करने वाला, आपने मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि वो वीडियो कौन सा था, बट फिर मैं आपको बता दूं, अगर मैं मंथली बेसिस पे कोई ट्रेड बना रहा हूं और वीकली बेसिस पे कोई ट्रेड बना रहा हूं, तो इट विल जस्ट गो लाइक अर्निंग फेज, ठीक है, कि मुझे कितना अर्न करना है। तो इमेजिन इट हैविंग, अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है तो बेसिकली मुझे कितना अर्न करना है, आई नीड टू अर्न लाइक 40,000, ठीक है, 40,000 मुझे अर्न करना पड़ेगा, तो मुझे कितने पॉइंट्स वीकली या मंथली की जरूरत है। तो जैसे अगर वीकली की जरूरत है तो मैं अगर 10,000 वीकली भी अर्न करूं तो 40,000 बन जाएंगे। तो 10,000 वीकली के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है कॉल और पुट की साइड से, अगर जस्ट इमेजिन इट, अगर मैंने 15 पुट साइड से लिए और 15 कॉल साइड से लिए, ठीक है, दैट इज लाइक कितना 30 पॉइंट्स। मैंने अगर 30 पॉइंट्स कलेक्ट किए एक वीक में तो टोटल इट विल बी 120 पॉइंट्स फॉर द मंथ, 4 वीक्स अगर मैं मानता हूँ तो 120 × 50 वन लॉट के हिसाब से दिस इज 6,000, ठीक है। 15-15 रुपए की ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, 15-15 रुपए, इवन यू कैन गो लो एज 10 रुपीज ऑल्सो इन वीकली, अगर आप आउट ऑफ द मनी की बात करो आप 10 रुपीज पे भी जा सकते हो। 6,000 पर लॉट बन रहे हैं अगर 120 पॉइंट महीने भर के, तो 6,000 पर लॉट, 10 लाख में आप आराम से कितने लॉट कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो नियर टू 6 लॉट्स आराम से हो जाएंगे। तो नियर टू 36,000, ठीक है। तो यहां पे जहां पे लगभग 6,000 रुपए का काम हो रहा था, 120 पॉइंट × 300 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी गो एज 36,000, ठीक है। तो 36,000 क्या हमारा कवरेज पूरा कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड की हमें 15-15 पॉइंट मिले, ये सब हुआ। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अपना स्ट्रेंगल होता है, स्ट्रेंगल अगर हमें एडजस्ट करना पड़ गया तो स्ट्रेंगल में क्रेडिट इंक्रीज होता है। स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली क्रेडिट इंक्रीज वाले होते हैं, ना कि क्रेडिट डिक्रीज वाले। तो उसमें हमेशा अगर आपको ये यूज टू करना पड़ा या फिर इसको एडजस्ट करना पड़ा तो हमेशा ये इंक्रीज होगा। तो इस इंक्रीमेंट से भी ये प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, और ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा सेफ बता दी। 15-15 रुपये मतलब जस्ट लाइक टू फार अवे और ईजी टू एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है, ईजी टू एडजस्ट होंगे और आराम से हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ अगर मंथली की, तो आप ये वीकली हो गया, ठीक है, 4 वीक हो गए। मंथली में क्या होता है ना, मंथली में बेसिकली बंदा बिल्कुल एक बार में क्या करेगा, एक बार में ऐसे नहीं करेगा कि उसने यहां से 45 बेचा और यहां से 45 बेचा और एक बार में 90 ले लिया, ठीक है। एनीबडी कैन डू, बट मैं अगर कर रहा हूं तो आई विल ट्राई टू हैव 30-30 रुपीज एंड मैं फिर उसको एडजस्ट कर करके धीरे धीरे अपने लॉट साइज बढ़ा के या फिर धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ा के उसको मैं 100 के क्रॉस लेके जाऊंगा और अपना ये 40,000 का बंद पूरा करूंगा टारगेट, ना कि मैं एक ही बार में 50-50, 60-60 रुपए का पूरा करूंगा और अपनी ब्रेक इवन रेंज छोटी करूंगा, क्लियर। तो ट्राई टू
अगर आप मंथली करो 45 डेज वाला, तो ट्राई टू गो फॉर 30-30 रुपीज वाले प्रीमियम्स, उसके बाद 30-30 को बुक करो, फिर ट्राई करो कि वापस से 25 वाले बुक कर दो, धीरे धीरे करके उनको पास में जाओ, जिससे आपकी बड़ी रेंज भी बनी रहे एंड आपका जो पीओपी होता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो भी हायर रेंज में रहे, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो और आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये तो सारी बातें कैसी हो गई आप एक स्ट्रैंगल बनाने का मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी। राइट नाउ आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं वीकली बनाना, क्योंकि जल्दी से डिके हो जाता है और आपको फटाफट प्रॉफिट दिखते हैं कई सारी चीज़ें। बट अगर मेरी सजेशन मानो, अगर आप न्यू बिगिनर हो तो यू कैन गो फॉर मंथलीज इन द बिगिनिंग फॉर लाइक 2-3 मंथ्स का 6 मंथ्स बेसिकली, और उसके बाद आप वीकलीज पे उतर सकते हो, वो भी कम लॉट से एंड देन प्रैक्टिस। क्योंकि वीकली में क्या होता है, कभी कभी आप चौक जाते हो, क्योंकि मार्केट को नहीं पता कि आपने एक वीकली ट्रेड डाली है या फिर एक मंथली ट्रेड डाली है, मार्केट को मूव करने से मतलब है। तो अगर वो 400 पॉइंट मूव करेगी तो वीकली वाले को ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उसका ऑप्शन इन द मनी में जा चुका है। बट मंथली वाले को उतना तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो इन द मनी में नहीं गया है, क्योंकि स्ट्रैंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा करेगा आपको प्रॉब्लम इसमें और कोई नहीं। तो अगर स्ट्रैंगल प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं आपको बस स्ट्रैंगल के लिए एक चीज़ और समझाने का ट्राई करूंगा कि स्ट्रैंगल मोमेंट पे ख़त्म हो जाता है और आपको उस मोमेंट से बचना है। तो एक चीज़ हमेशा समझना कि जब भी आप किसी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में होते हो और इन द मनी की तरफ जाते हो, तो डेल्टा कैसे बिहेव करता है ये भी समझना होगा आपको। जस्ट लाइक दिस मैं आपको बताऊँ कि ये रहा डेल्टा अगर मान लो, और ये रहा जीरो डेल्टा का, तो डेल्टा बिहेव्स लाइक दिस। ये एक है एंड समवेयर हियर यहाँ पे होगा 0.5, दैट इज कॉल्ड एज एट द मनी। तो आप अगर एक तरीके से मान लो किसी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और आप स्ट्रैंगल ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब आप यहाँ पे कहीं हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.1 या 0.16, 0.20 डेल्टा, ये वाले आप स्ट्रैंगल्स को सेल कर रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा एडवांस समझा रहा हूँ, इट्स फाइन आई थिंक। तो 0.1, 0.16, 0.20 इन डेल्टा को जब आप शॉर्ट करते हो, तो मतलब वो इस एरिया में होते हैं। तो एक बार देखो कि डेल्टा आपको कैसे तकलीफ पहुंचा रहा है। ऑफ कोर्स गामा का बहुत बड़ा इसमें लेना देना है, बट एक बार देखो कि जैसे ही वो एट द मनी और यहाँ पे होता है, एक स्पाइक होता है जो कि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है। मतलब आपके एडजस्टमेंट फलाना टीम का कुछ काम नहीं आने वाले इफ यू आर हियर, करेक्ट। और उसके बाद जैसे ही एट द मनी से वो इन द मनी में जाने लगता है, उसका बिहेवियर डेल्टा वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता। तो इसका मतलब है सारा खेल कहाँ पे छुपा हुआ, इस जगह पे। तो आप मतलब अगर इतने में हो तो आपकी तकलीफें कम है, करेक्ट। तो मैं जैसे सजेस्ट करूं, तो अगर मैंने 18500 बेच रखा है और 17500 बेच रखा है और मार्केट 18300 पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकाल दूं, वरना ये मेरा सोल्यूशन निकाल देगा, करेक्ट। ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये पुट भी यहाँ पे 17700 पहुंच गया है, 200 पॉइंट भी बचे हैं, मतलब इस यहाँ पे पहुंच गया है वो इस फ्रेज में, तो इसका सोल्यूशन निकालो, वरना ये हमारे कपड़े निकाल देगा, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ता है कि रहूं कि निकलूं, रहूं कि निकलूं, एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये डेल्टा समझ आया। एंड दिस इज कॉमन वीडियो लाइक फॉर ऑल, सब लोग करते हैं इसमें। तो अब मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ। कई टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं, देर आर मेनी पीपल डू इट लाइक एवरी वे। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन, लाइक रोलिंग अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे 17500, मैं एक वीकली ले रहा हूँ, ठीक है। ये मार्केट 18000 एंड वी आर हियर इन कॉल साइड 18500। अब सिंपली बेसिकली याद रखो कि मैं एक वीकली ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस है 15 रुपये, एंड सिमिलरली इसका प्राइस भी है 15 रुपये, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये 30 रुपये मुझे मिल जाएंगे, दैट्स इट, ओके। अब रोलिंग वाला सिस्टम जो है कि हम कैसे रोल करते हैं, कैसे रोल नहीं करते हैं, तो कई सारे लोग इसको डेल्टा वाइज करते हैं, मतलब डेल्टा न्यूट्रल रखते हैं। बेसिकली एक फंडा समझ लो कि अगर आपने स्ट्रैंगल डाला है, इसका मतलब आप चाहते हो कि मार्केट कम मूव करे और वॉल्टिलिटी डाउन रहे आपकी ट्रेड में, जिससे आपको कोई खास प्रॉब्लम ना हो, राइट, करेक्ट। अगर वॉल्टिलिटी आई तो भी मेन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब ये दोनों गिरते नहीं हैं और मार्केट में मूवमेंट आ जाए। तो मूवमेंट को मैं मानता हूँ मूवमेंट इक्वल्स टू डेल्टा। तो अगर डेल्टा की तकलीफ को समझना है, तो इसका मतलब है आपको इस ट्रेड में डेल्टा को क्या करके रखना है, अंडा, जीरो।
मतलब आपको ट्रेड को बैलेंस रखना है। हमेशा याद रखना कि डेल्टा मूवमेंट को कंट्रोल करना मतलब डेल्टा को मैनेज करना, बैलेंस करना। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर ही क्यों होते हैं, क्योंकि डेल्टा डेल्टा से आपको कितनी तकलीफ पहुंचेगी या फिर वो ऑप्शन कितना मूव करेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं दे सकता। इसीलिए डेल्टा न्यूट्रल बनाया जाता है कि दोनों को बैलेंस करके रखो। तो बैलेंस कैसे होगा कि अगर ये रही ट्रेड और मार्केट ने मूव किया बूम इधर, मार्केट इज एट 18100, इस प्रीमियम का प्राइस कितना हो गया, नाउ इट इज 25 रुपीज, और ये 15 कितना हो गया है, अब ये है 8 रुपए। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? आंसर इज नो। ये 8 रुपए का है, इसे अभी भी जीरो होने में कितना टाइम है, वीकली ऑप्शन 4 डेज 5 डेज। ये 25 रुपए है, इसको भी होने में कितना टाइम है, 5 डेज। इसका डिके फास्टर है, ठीक है, डिके भी फास्टर है और डेल्टा मूवमेंट भी फास्टर है, क्योंकि मार्केट इधर चला गया है। ठीक है, कहां होगा, 0.10 था, ये पहुंच गया यहां पे, आपका ये कहां है, ये और उल्टा पहुंच गया नीचे की तरफ। तो क्या ये डेल्टा दोनों मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं, हमें इसकी बराबरी में इसको लाना पड़ेगा, इस वाले को। तो बराबरी कैसे होगी, पास जाने से। तो जैसे ये इधर खिसक गया है, ये 25 रुपए का हो गया, तो अब लोग कैसे मैनेज करते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इस 8 रुपए को बेच दो कैसा 25 रुपए जैसा, या तो जितना इसका डेल्टा है उतने डेल्टा वाला इसको बेच दो, सिंपल। तो मैं आपको प्रीमियम वाइज समझाता हूँ, कभी भी आप ट्राई करो कि बिल्कुल जैसे 25 है तो बिल्कुल 25 मैच मत कर दो, 20, 22, 21, 18, 19 ऐसा करो धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि कभी कभी होता है आप एग्रेसिव आगे चले जाते हो और मार्केट रिवर्स मारता है तो सब खराब हो जाता है। तो ट्राई टू मैच इट बाई 75%, ट्राई टू मैच इट बाई 75%। तो मैं इसको 75% के नाम पे मैं 8 वाले को बुक करूंगा और क्या बेचूंगा, 20 रुपीज वाला पुट पी, वो कहाँ आएगा, वो मैंने मान लिया 17650 के आसपास पहुंच गया आपको, क्लियर। तो अब आपकी रेंज क्या होगी, 17650 टू 18500, मार्केट इज समवेयर हियर, ठीक है। आप ऐसे बन जाएंगे, मार्केट अगर और ऊपर गया यू विल डू द सेम थिंग, मार्केट और ऊपर गया यू विल डू द सेम थिंग, टिल व्हाट, टिल दिस। जैसे ही 18500 आ जाए आप एक चीज समझोगे, ये कहां पहुंच गया है, दिस इज नाउ एट द मनी, ये एट द मनी आके पहुंच गया है। तो इसका मतलब डेल्टा इसके आगे अब जाएगा, तो ये डेल्टा से हमें इतना तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला जितना रिवर्सल में इससे पहुंचेगी, ठीक है। तो अब कुल मिला के आप इसको दूर रख के कुछ नहीं कर सकते, आपको इक्वल अमाउंट का थीटा डीके चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं जहां तक इस ट्रेंडर्स को कंट्रोल करने का ट्राई करता हूं टिल हियर, कि आप क्या करो, अगर आप शिफ्टिंग भी कर रहे हो तो यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, एज पर डेल्टा एंड प्राइसिंग मैच करो एंड कम टिल हियर 18500। तो आपकी जो फाइनल ट्रेड है वो क्या बनेगी, दैट विल बी 18500 कॉल सेल एंड 18500 पुट सेल। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ग्राफ जब ऐसा दिखेगा, यू समथिंग लाइक दिस, अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस, वैसे इसमें भी यही था, इसका ग्राफ दिखता आपको समथिंग लाइक दिस, अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस, दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो एट द एंड यू आर हियर। और जब भी ऐसा ये बन जाए, ये बनने के बाद भी आपका कभी भी ये जो ट्रेड है वन लॉट में, कभी भी आपका अगर ये लॉस क्रॉस करे, वन लॉट अगर मैं मानता हूं तो लॉस क्रॉस करना 6K to 7K का लॉस क्रॉस कर रहा है ये बनने के बाद भी कभी भी, क्योंकि ये तभी होगा जब वॉलिटिलिटी इंक्रीज कर गई होगी और डेल्टा बहुत तेज डेली मूव कर रहा होगा, तब आप यहां पहुंच जाओगे। बट अगर आप तब भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब आपने परफेक्टली डेल्टा मैच किया है, ओके। तो आप ट्राई करो कि जब भी आप इस जगह पे पहुंच जाओ तो आपके पास एक टोटल प्रीमियम होगी। टोटल प्रीमियम बोले तो इमेजिन 150 रुपीज का कॉल है, 150 रुपीज का पुट है, मतलब ये 300 रुपए। तो जहां तक मैं हूं, आई विल बी ओके टू लूज 30-40 रुपीज मोर। तो अगर इन दोनों का प्रीमियम आपके सेल करने के बाद 300 रुपए से 340 पहुंच जाए एनी टाइम, यू शुड क्लोज योर ट्रेड एंड एंड दिस ट्रेड। बेसिकली आपने बिगनिंग में भी आउट ऑफ द मनी बनाया था, वे टू फार, वे टू सेफ, बट अगर तब भी ये करते करते आपका ये हो जाए तो एग्जिट दिस ट्रेड, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक दूसरा बिहेवियर बताता हूँ, अगर आपको रोलिंग से काम नहीं चल रहा, जो मैंने आपको अभी ऐसे बताया ये चीज ऐसे भी सेम है,
मतलब अगर कॉल नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट गिर रही है, तो आपको कॉल यहां तक लेके आना है 17500 तक, क्लीन। और हमेशा मैचिंग कैसी रखनी है, इससे कभी भी बराबरी मत करो, हमेशा थोड़ा सा 75% के आसपास रखो, आसानी होती है रिवर्सल से, ठीक है। अब कई लोग एक्चुअली इसके आगे भी निकल जाते हैं, क्योंकि हार मानना लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। हार मानना पसंद नहीं है, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान लो मार्केट अब भी नहीं रुकी, आपके पास है 18500 का कॉल, 18500 का पुट, एंड मार्केट अभी भी मूव करते करते आगे निकलने का ट्राई कर रही है, तो अब लोग क्या करने लगते हैं, लोग जाते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अब लोग क्या करेंगे, और अंदर मार्केट और ऊपर गई तो लोगों ने क्या किया, और 18600 का पुट बेच दिया। ये इन्वर्टेड कैसे कहलाया, क्योंकि कॉल पहले है, कॉल कहां पहुंच गया है, कॉल पहुंच गया 18500 पे, पुट कहां है 18600 पे, मतलब पुट कहां चला गया, पुट चला गया इन द मनी के अंदर। तो जब भी हम इन द मनी के अंदर घुसने लगते हैं, दैट इज कॉल एज इन्वर्टेड स्ट्रैंगल। और जब भी इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बनने लगे, तो समझ जाना वैसे तो आप खाई में जा रहे हो, बट कब तक आप सेफ हो, ये एक छोटी सी दीवार होती है, वो कैसे पता चलेगी, जब तक आपके इन्वर्टेड स्ट्रैंगल में जो बीच के जो गैप है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो आपके क्रेडिट गेन से लोअर है, तब तक आप सेफ। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे 18500 सेल कर रखा है, कितने का मान लो आप सेल करने किया है, आपने तो बहुत कम पे सेल किया था, मान लो 30 रुपए का था 18500, और जो अभी अभी आपने 18600 सेल किया है, उसका प्रीमियम है लगभग 200 मान लो, तो आपके पास टोटल क्रेडिट कितना है 230, और जो आपने बीच बीच में बुक किया वो सब मिला के मैं मान लेता हूँ 260। आपका स्ट्रैंगल कैसा है, 18500 कॉल एंड 18700 पी मैं मान लेता हूँ, ठीक है 18700 पी, मार्केट इज एट वेयर 18600 अगर मार्केट क्लोज हो गया, तो आंसर मी व्हाट विल बी द प्राइसिंग ऑफ दिस टू। अगर 18600 पे क्लोज आई मीन क्लोज हो गया मार्केट, तो 18500 के कॉल की कीमत कितनी होगी, 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू। 18700 का जो पी आपने क्लोज कर दिया है वो कितने का होगा, 18700 का पी आपने क्लोज किया ना, तो मार्केट कहाँ होनी चाहिए, उस पी के ऊपर, बट उसकी भी कीमत कितनी बच गई, उसकी भी कीमत होगी लगभग 100 रुपए। टोटल मिला के कितने रुपए हुए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, 200 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। आपका क्रेडिट कितना था टोटल, 230, जो आपने 10-10, 20-20 रुपए पहले कवर किए वो भी मिला के 260, तो आपने एक्चुअली क्या कमाया, 260 रुपीज, तो एक्चुअली आप प्रॉफिट में थे ना। तो जब तक आप प्रॉफिट में हो, तब तक आप इंटरनली भी अंदर घुस सकते हो और इन्वर्टेड स्ट्रैंगल भी बना सकते हो, टिल यू थिंक इट सेफ, ठीक है। बट इसको पार करके वहां तक जाना मैं प्रेफर नहीं करता हूं, और मैं नए बंदे को तो बिल्कुल सलाह भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहीं पर रुक जाओ और यहीं पर डिसाइड कर लो रुकना है कि नहीं रुकना है, अदरवाइज आगे आप इसमें भी जा सकते हो। यू विल थिंक दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतना सिंपल सा बोल रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपके क्रेडिट से लो होनी चाहिए, तब तक ही आप इन्वर्टेड में घुस सकते हो, सिंपल। आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बेचते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इन्वर्टेड स्ट्रैंगल मतलब बोले तो क्या, मतलब यही कि वो इन द मनी का कॉल और इन द मनी का पुट बेचते हैं, मतलब 18500 पे अगर मार्केट है तो वो 19000 का क्या बेचते हैं, कॉल नहीं पुट, और इधर क्या बेचते हैं वो 18000 का पुट नहीं कॉल। अब देखो इसमें बात क्या, इसमें बात बताता हूँ क्यों बेचते हैं वो, 18500 पे मार्केट है, 18500 का 18000 का कॉल वो कब बेचेंगे, जब उसकी कीमत कितनी होगी 500 प्लस, तभी बेचेंगे ना, तब तो कोई फायदा है, क्योंकि 500 तो उसकी कीमत होनी ही चाहिए, और एक्चुअली उसकी कीमत 500 के ऊपर ही होती है, क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक के साथ थीटा की वैल्यू इंक्लूड होती है काफी टाइम पहले, ठीक है, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। तो मान लो ये है 550 रुपए का, है ये, और सिमिलरली ये भी 550 रुपए का है, तो यहां पे बेसिकली आपका क्रेडिट कितना है, आपका क्रेडिट यहां पे सिर्फ 100 रुपए का है, 50 ये 50 को, क्योंकि 500 तो इनकी कीमत ही है अगर मार्केट यहां क्लोज हो गई, क्लियर है बात, समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मार्केट यहां से यहां कहीं भी क्लोज हुई तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू में ये तो चले ही जाएंगे, तो आपके पास एक्चुअली में क्रेडिट कितना है 100 रुपए। तो जब भी आप उस स्ट्रैडल के बाद भी अंदर घुसो, तो कभी भी क्रेडिट के नीचे मत आना, क्रेडिट के एक तरीके से मान लो क्रेडिट आपके पास हो एटलीस्ट कुछ ना कुछ, तभी जाके ये वर्थ इट है, अदरवाइज आपको काफी लॉस हो सकता है, ठीक है।
तो अगर आप नए बंदे हो तो ट्राई टू डू इट टिल स्टडल ओनली एंड क्लोज इट अगर आपसे संभल नहीं रहा है. अगर आप थोड़े से आगे निकल चुके हो तो यू कैन गो अ लिटिल इन्वर्टेड ऑल्सो, अ लिटिल इन्वर्टेड, नॉट मच. ठीक है. तो अब देखो, मैंने आपको दो तरीके बताए कि यहां तक भी लोग चले जाते हैं, ठीक है, बट जहां तक मेरा मानना है कि इंडिया में अभी भी ज्यादातर लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, ट्रेड करना निफ्टी को ज्यादा आसान माना जाता है इन स्ट्रेंगल वेज, एंड बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रॉफिटेबल वाइज माना जाता है क्योंकि प्रीमियम्स आपको सही मिल जाती हैं बट थोड़ा सा खतरनाक पड़ता है. ठीक है, तो न्यू पर्सन कैन गो फॉर निफ्टी एंड अ लिटिल एक्सपीरियंस वन कैन गो फॉर बैंक निफ्टी. ठीक है, वीकली के प्रीमियम्स अगर मैं आपको निफ्टी में सेफ, मैं बिल्कुल सेफ बता रहा हूँ, गो फॉर 12 रुपीज कॉल पुट. बैंक निफ्टी में यू कैन गो फॉर नियर टू लाइक 45 एंड 45. ठीक है, वीकली वाइज डू इट फोर टाइम्स फुल वीक और एडजस्टमेंट के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया वो करना है. ठीक है, मैं आपको एक्चुअली अभी डेस्कटॉप पे बता दूंगा कि होगा कैसे, बट ये करना है. ठीक है, एक टाइम आता है कि निकल जाना चाहिए एंड बिल्कुल ही इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि सर अगर कल 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया तो क्या करें. लीव इट, एक्सेप्ट इट, वरना आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते. वरना मैं बोल दूंगा कि स्ट्रेंगल क्यों संभालना है, जाके कैलेंडर लगा दो, जाके एडजस्टमेंट बाई कर लो, जाके हेज बाई कर लो, बट वो हेज की भी तो कीमत है ना. तो बेसिकली अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसको करो और उसके हिसाब से हर चीज़ एक्सेप्ट करो, उसका प्रॉफिट भी उसका लॉस भी. ठीक है, कभी ऐसे काम नहीं चल पाएगा कि सर अगर कल ये हो गया तो हम क्या करेंगे. वो होता है बट कितनी बार होता है वो भी तो सोचो, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा स्टैटिक्स लो, तब समझ आएगा. ठीक है, तो वीकली में 12 फोर टाइम्स करो, 45 फोर टाइम्स करो. अदरवाइज इनको कैलकुलेट कर लो कि मुझे कितना कमाना है, मेरा कैपिटल, जैसे मैं मान लो मेरा कैपिटल 4 लाख है मान लो. ठीक है, तो 4 लाख इंटू 4% अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव जाने का बोलूं तो 16K रुपीज, तो अब 16,000 कैसे आएंगे. तो जस्ट इमेजिन 16,000 इससे आएंगे क्या. मैं 24 पॉइंट वीकली कमाता हूँ, ठीक है, और 4 वीक मुझे करना है तो लगभग 100 पॉइंट्स होते हैं, 96 पॉइंट्स होते हैं, 96 पॉइंट और 4 लाख में मतलब मैं 3-3 लाख कर सकता हूँ, तो लगभग 150. तो क्या ये काम कर जाएगा, 15,000 रुपीज़ के आसपास बनेंगे. हाँ ये काम कर जाएगा, करेक्ट. तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो मैथमेटिकली भी तो कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, उतने ही पॉइंट्स पे काम करो. ठीक है, बाकी स्ट्रेंगल में जब आप वो 17,500 से 17,700 जाते हो ना, तो ये जो शिफ्टिंग की, इसके बीच में जो ये बुकिंग किया, ये जो प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे आए नया क्रेडिट लिया, ये इंक्रीज हो गया ना क्रेडिट. तो ये जो 16,000 है हमेशा कभी 16, कभी 20, कभी 22, कभी 25, एंड जस्ट इमेजिन समटाइम्स कभी कभी स्ट्रेडल में भी आप फंस जाते हो, वो एडजस्ट करते करते मार्केट आपके स्ट्रेडल में आके गिर जाती है, तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट की चिंता मत करो, पहले सेफ्टी पर ध्यान दो. ठीक है, तो आप ये चूज कर सकते हो इन मंथली. इन माई ओपिनियन यू कैन गो फॉर लाइक स्टार्ट विथ 30-30 एंड गो अ लिटिल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, उसको थोड़ा सा संभालो, ये बढ़ के खुद ब खुद 50-50 हो जाएंगे अपने आप. एंड सेम विद द वीकली, उसके बराबर भी आ जाएंगे. अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में मैं 90-90 से स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ कि 90-90 करो, उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे संभल जाएगा. बट गो फॉर 70 बैंक निफ्टी में, आपको और आसान पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट विद 70 और आगे आप आराम से एडजस्टमेंट कर लोगे. ठीक है, तो इसके बाद मैं चलो एक स्ट्रेंगल अभी बनाता हूँ और आपको उसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ एक तरीके से, मान लो डेस्कटॉप पे. ठीक है, ऑप्स्ट्रा सिमुलेटर पे आपको मैं दिखाता हूँ. ठीक है, नॉर्मल टाइम. ठीक है, ये मत बोलना कि मार्च 2020 में दिखाओ, फायदा क्या है उसका. ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मूव करता है और स्ट्रेडल तक गया होगा ना, उस सिनेरियो को समझते हैं और देखते हैं कि कितना क्या मैनेज हो सकता है और क्या वो प्रॉफिट बढ़ता है या फिर क्या हम समझ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ. अ लिटिल इन्वर्टेड जाके भी क्या मिलेगा मैं वो बताता हूँ. ठीक है, इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा वो डिटेल्ड होगा स्ट्रेडल के ऊपर. ठीक है, तो लेट्स गो और उसके बाद देखते हैं. ठीक है, चलो आ जाओ. ओके, तो देखो अभी बोर्ड पे हमने सारा कुछ समझा. ठीक है, मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया कि कोई बहुत ही वो टफ बात नहीं है, बट आपको ना एक तरीके से वो करने की ज़रूरत है कि आपको समझदारी से काम लेना है. ठीक है, कभी भी हमेशा
एक ही उसमें अटकना नहीं है कि कोई चीज़ काम नहीं की तो कैसे नहीं की। किसी भी चीज़ को पहली बार तो थोड़ा लंबे टाइम तक ट्राई करो, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि अगर कोई चीज़ एक वीक के लिए ख़राब थी, 2 वीक के लिए ख़राब थी, तीसरे वीक आपने उसको ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना ना आओ देखूंगा ना ताओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगातार 3-4 वीक करूंगा, ठीक है। कोई हम वो नहीं देखेंगे कहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सितंबर के सारे हफ्ते देखेंगे हम, अक्टूबर के हफ्ते जितने हो पाएंगे उनको मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा, कब क्या करना चाहिए, कहाँ कितनी नीड पड़ी, कब निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बोलो इसके अलावा मैं क्या सिमुलेट करके आपको दिखा दूँ, अब भगवान जाने आप क्या चाहते हो, ठीक है। मैं लगातार आपको 1.5 महीने दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या डेल्टा देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, आई नो इट, बट यही उसकी मेरी सलाह है कि देखना तो पड़ेगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन लाइक एंड शेयर, कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगे या लगे कि सही नहीं है, ठीक है। तो उल्टा स्टार्ट करते हैं, उल्टा क्या, चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, सितंबर के उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। सितंबर 9 से, ठीक है। 9 सितंबर मतलब स्टार्टिंग किस दिन होगी, फ्राइडे के दिन, ठीक है। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, तो 3 सितंबर, 9 सितंबर का एक्सपायरी, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं 9:50 या 10 बजे के आसपास डालूंगा। वीकली का मैंने अभी आपको बोर्ड पे क्या बताया, वीकली का मैंने आपको साफ साफ बताया 12 रुपये, ठीक है। तो वी विल गो एंड 12 रुपीज़ वाले से हमें मतलब है, ये रहा 12 रुपीज़, ठीक है। ये किया मैंने सेल। अब सबसे पहले ये कंसिडर कर लो कि क्या कितने लॉट क्या कैसे करना है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉर अ साइज ऑफ 6 लाख अकाउंट या 7 लाख अकाउंट, जिसमें हम 5-5 लॉट का अगर ट्रेड डालेंगे तो कितने का बनेगा, ठीक है। तो 5-5 लॉट का ट्रेड कितने का बनेगा अपना, चलो रुको ये भी देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रेंगल क्रिएट करना है एंड लॉट साइज इज 5 बेसिकली, और सेल किया है मैंने, तो नियर टू 5 लाख के आसपास लगते हैं 5-5 लॉट्स के लिए, मतलब टोटल 10 लॉट सेल करने के लिए 5 लाख के आसपास लगता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख के आसपास का कैपिटल है, तो यू शुड गो फॉर मे बी 7 लॉट्स, करेक्ट। 7 लॉट्स मैंने ये किए एंड 7 लॉट्स मैंने ये किए, लगभग 789, ठीक है। तो मैं फिर भी, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बोर्ड पे समझाया था कि 6 लॉट ही परफेक्ट होते हैं 10 लाख के कैपिटल के लिए, तो हम 6 लॉट के हिसाब से हर चीज करेंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 10 लाख है, हमें कितने पैसे कमाने चाहिए, महीने के 40,000 मिलने चाहिए हमें, ठीक है, करेक्ट। तो महीने के 40,000 कमाने के लिए चले हम निकल पड़ते हैं अपनी रास्ते पे। तो ये हमने पहला महीना निकाला है, कौन सा, अपना सितंबर का। तो 9, 16, 23, 30, 4 महीने 4 वीक है अपने पास। ये लो, स्टार्टिंग विद 1st week of September, 3rd September को हमने डाली है, 9 September को हमें एग्जिट मारना है और हमें 40,000 रुपये कमाने हैं इससे महीने भर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ नॉमिनली जैसे होती है वैसे ही करेंगे, जब नीड नहीं होगी तो नहीं करेंगे, अगर होगी तो करेंगे। कितने लॉट, 6 लॉट बेसिकली, ठीक है। और इधर भी मैं नॉर्मली एक 10 लाख वाले बंदे के लिए बता रहा हूँ, ये रहे 12 रुपये, ये रहे 6 लॉट। मैं कुछ भी यहाँ देखूंगा नहीं, मोस्टली आपको यहाँ पे 7,000 रुपये देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ गया ग्रीक्स में, ठीक है, मैं प्रीमियम वाइज बंदा हूँ तो इतना मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रीमियम पे काम करने वालों में से हूँ। तो अब हम 30-30 मिनट्स आगे करता हूँ मैं फटाफट, देखो 10 और 14 मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा, जब तक मुझे डबल का डिफरेंस नहीं दिखता मैं इतना कोई चेंज करने पर रेडी नहीं रहता। 9, 13 इट्स फाइन, 11, 10 कोई दिक्कत नहीं है, 10, 10 कोई दिक्कत नहीं, 10, 11 कोई दिक्कत नहीं, 11, 12 कोई दिक्कत नहीं, 9, 11 सिमिलर एकदम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 9, 10, 9, 10, 6, 13 हो गया है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अब ये 6 रुपये पे यहाँ पे इसको बुक किया और मैं क्या करूँ, 13 रुपये के आसपास का एक प्रीमियम मैं जाता हूँ सेल करने। हमेशा जब डबल का गैप दिखे मैं तभी चेंज करता हूँ। तो 13 का अब मुझे क्या बेचना है, पुट, क्योंकि 13 रुपये का मेरा कॉल है। तो मैं गया और 13 रुपये का पुट मैंने ढूंढा, ये लो, ठीक है, ये किया सेल, सेम लॉट्स सिमिलरली, ठीक है, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना। वापस से मैंने प्रीमियम मैच कर दिया है, फिर से 30 मिनट में हम आगे जा रहे हैं, 11 रुपये 14 रुपये 11 रुपये 12 रुपये 11 14 10 13 10 12 10 11 9 10 9 10 8 10 6 12
5 10, अब देखो वापस से 5 10 हो गया है, तो मैं इसको वापस से इस कॉल को 5 पे बुक किया मैंने, और मैं कॉल भेज दूंगा 10 का। डबल का गैप मुझे अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है, तो 10 रुपये के आसपास का करना है। तो ये लो मैंने ये कॉल ले लिया है सर, ठीक है, तो ये हो गया 10 और 13 के आसपास। अगेन गोइंग अहेड, 8 10 7 10 9 7 7 12 6 16, 6 16 दिख रहा है आपको। तो अब मैं पुट बुक कर रहा हूँ ये वाला 6 रुपये पे, ओके, एंड 16 रुपये का कॉल है, तो 16 रुपये का पुट चाहिए मुझे। ये रहा, ठीक है, 15 और 16 हो गए। फिर अगेन 30 मिनट्स, 14 15 15 15 12 15 8 19, ये देखो यहाँ पे 8 और 19 का गैप आ गया है। फिर से व्हाट आई कैन डू, मैं इसको 8 रुपये पे बुक कर सकता हूँ, और आई कैन गो टू 19 रुपये कॉल साइड में। सॉरी बुक नहीं हुआ, 8 रुपये पे ये मैंने बुक किया, और 19 रुपये का कॉल बेचना है अब मुझे। 19 14 22, 22 क्रॉस कभी मत करना, पीछे ही रहो, दैट इज फाइन। ये लो, ठीक है, तो ये रहा कॉल पुट वापस से, 14 और 19 हो गए हैं, 11 19 8 19 7 19, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट टाइम कितना बचा है, 8 सितंबर हो गया है, चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रुको। तो ये मैं वापस से इसको 8 रुपये पे बुक करता हूँ, और 19 रुपये का क्या बेचना है मुझे, कॉल, 19 का कॉल फिर से नहीं है, क्रॉस कभी नहीं करता मैं, प्राइसिंग थोड़ा नीचे ही रखता हूँ, चाहे 2 रुपये ही सही हो बट नीचे हो, ठीक है, 8 15 इट्स फाइन, 8 15 7 13 इट्स फाइन। अब ये लो, अब यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है। हमें कितने कमाने हैं महीने भर में, इस वीक का काम हो गया, ठीक है, फिर भी हमारा काम क्या है, हमारा काम है एट द एंड तक लेके जाना, जब तक हमें प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में हो, मतलब डेल्टा वाइज फुली मैनेज्ड हो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको आखिरी तक भी ले जा सकते हो, पे ऑफ ग्राफ को देखते रहो। यहाँ पे एक्टिवनेस देखो, यहाँ पे एक मेन जो सही बंदा है वो बुक कर लेगा, क्योंकि उसका काम हो गया है इस वीक का, बट जो एक तरीके से थोड़ा ये देख के, टेक्निकल एनालिसिस देख के, थोड़ा बहुत चार्ट देख के काम करता है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रोक के रखेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ, क्योंकि हम सेंटर में एकदम, वी कैन प्ले अ लिटिल, ठीक है। तो ये लो मैंने थोड़ा और थोड़ी देर रखा, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पीएनएल में जाते हैं। यहाँ पे देखोगे आप कितने रुपए, 20 और 8, यहाँ पे 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है, कॉल 9 रुपये का बचा है, और पुट 20 रुपये का हो गया है। लेट सी, दिन के अंत में कर देंगे, 6 एंड 29, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इस गैप को फिल करता हूँ, मैंने इसको बुक किया 7 रुपीज पे, एंड ये 29 को मैच करने के लिए मुझे कॉल 29 का बेचना पड़ेगा, वो भी एट द एंड ऑफ टुडे। तो मतलब आज हम एक दिन पहले ही मुझे 29 का बेचना पड़ रहा है, 29 का बिल्कुल नहीं है, तो मुझे ये बेचना पड़ा 31 वाला टू मैच द प्रीमियम्स। तो अब देखो हमारे पास 29 एंड 31 है मैचिंग प्रीमियम्स, लेट्स गो अहेड, आगे क्या होता है, ठीक है, कहाँ गए हम, 18 एंड 33 इट्स फाइन, इतना कोई खास फर्क नहीं है। 13 और 35, अब फर्क है वापस से, ठीक है, 13 और 35 का फर्क है, प्रॉफिट चला गया 11,300 कुछ, ओके। तो 13 और 35 में एक बार जाके पे ऑफ देख लो कि नीड कितनी है और कितनी नीड नहीं है। देखो मार्केट ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, तो हमें कर देना चाहिए, मैं इस 13 को बुक करके मैं लगभग 30 के आसपास का पुट बेचने वाला हूँ। तो मैं ये गया इसको बुक करने, 13 पे बुक किया मैंने, और 30 के आसपास का पुट हमें निकालना पड़ेगा, 30 के आसपास का पुट, पुट पुट 30 नहीं है, 22 है, ये लो, ठीक है। अब हम वापस से अगेन आगे बढ़ते हैं, 30 मिनट्स, यहाँ देखते हैं 17 और 41 है, चलो अभी इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है।
12 और 28, इट्स फाइन, 16, लगभग 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 30 मिनट्स, 11, 23, 11, 22, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर ये डबल से ज़्यादा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, अंत में जब लास्ट डे बच रहा होता है ना, जैसे एक्सपायरी डे होता है, उस दिन ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप मैनेज करके चल सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, इसलिए आप इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी प्रॉफिट में होने के बाद जल्दी जल्दी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप आसानी से शांति से काम कर सकते हो तो क्यों उसको बार बार छूना है, ठीक है। इसलिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोग ऐसा लॉजिक पकड़ लेंगे कि सर अब तो डबल हो गया, क्यों चेंज नहीं किया? इसलिए क्योंकि एक्सपायरी डे चल रहा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा लो होती है, क्यों फटाक से अपना 100 रुपये, 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस गंवाना है, समझ रहे हो? इस वजह से आपके पास जो एक बेटर स्ट्राइक प्राइस है सेम प्रीमियम के लिए, सेम चीज़ों के लिए, तो उसको क्यों गंवाना है? अब ये देखो, पुट हो गया 6 रुपये का और कॉल हो गया 37 रुपीज का, टाइमिंग चल रही है 10 बजे एक्सपायरी वाले दिन, 37 रुपीज का कॉल है और 6 रुपये का पुट है। अब देखो यहाँ पे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपायरी डे चल रही है, अगर मैं 30 मिनट पीछे जाऊँ, ये लो 19,000 रुपये का प्रॉफिट है मेरे को, ये आया पे ऑफ ग्राफ, बूम, मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट सब कुछ निचोड़ चुका हूँ, सीरियसली आई विल क्लोज दिस, ठीक है। मुझे इसमें और कोई खास रुकने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज करके नया ट्रेड बनाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या टारगेट किया था? हमने 40,000 रुपये हमें महीने के कमाने, ये कौन सा वीक है? ये पहला ही वीक है जिसमें मार्केट काफी तेज भागी, मार्केट ऊपर की तरफ काफी तेज गई, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया और हमारे अपर साइड में हिट की, बट हमने कितने निकाल लिए? हमने अपने महीने की कमाई के 50% इसी से निकाल लिए और हमें लगभग 19,000 निकल गए। मैक्स प्रॉफिट बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड कितना था? 7,000 रुपये, अभी कितना है? 28,000। मतलब जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि धीरे धीरे जब भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है स्ट्रेंगल में, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है, करेक्ट? देख लिया आपने, यहाँ पे ऐसे होता है, वैसे ही उसी तरीके से धीरे धीरे आपकी रेंज छोटी होती जाती है, बट होता क्या है कि वो क्रेडिट भी, थीटा भी इंक्रीज होता चला जाता है, और थीटा ही बेसिकली आपको जिता देता है बाकी सारी चीजों से इन सब मामलों में, ठीक है। पहला वीक निकल गया, आई एम रीसेटिंग दिस, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल काफी है। अगला वीक चलते हैं, अगले वीक में वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफकोर्स एंड एंड ऑन 16, एक्सपायरी कौन सी लेंगे हम? 16 की एक्सपायरी, ये लो 9:50, 10 बज गए, ये मैंने फिर से 12 रुपये, कुछ नहीं देखना है मुझे, मैं अपने फिक्स रूल्स पे काम है, तो ये लो, ये रहे 11 रुपये 4 पैसे, ये रहा 15, 10, चलो मैंने 10 ले लिया, ठीक है, ये लो, देखना फिर से मैक्स प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6,000 रुपये से, फिर से मुझे कुछ नहीं करना है, इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ डे वाइज, ठीक है। पीनल पे चलते हैं, 4 और 10 वी कैन, ठीक है, ये मैंने 4 पे बुक किया, 10 का पुट चाहिए अपने को, तो 10 का पुट, ये रहा 10 का पुट वापस से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे 3 और 4 का पुट, कोई फायदा नहीं है, 5,000 रुपये हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, 1 और 9, ठीक है, तो ये जो पुट है हम उसको 1 रुपये का बुक कर रहे हैं, ये लो पुट को हमने 2 रुपये पे बुक कर दिया है, और हमने पुट लिया है कौन सा, 10 रुपये वाला वापस से, फिर लिया हमने पुट, ये लो 12 रुपये का पुट, सोलह तारीख के 9 बज चुके हैं, ये लो, धीरे धीरे करके हम 30-30 मिनट्स में आगे चलते हैं, क्या होता है, 4,800, 6,000 एंड 6 और 10 रुपये का प्रीमियम है, 15 और 5 का प्रीमियम है, 5,000 मिल रहे हैं, 3 और 2 का प्रीमियम है, 6,400 रुपये मिल रहे हैं। देखो अब 12:01 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और 16 तारीख चल रही है, ठीक है, फिर से देखो आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख सकते हो, अब बिल्कुल अपना जो पूरा आपको लेना था प्रॉफिट वो पूरा आप एंड तक पहुँच गए हो, अब इसमें रुकने का कोई फायदा नहीं है, अब ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिस्क है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने पहले वीक कमाए 19, अब कमाए हमने 6, लगभग हमारा 25,000 का कोटा कंप्लीट 2 वीक में, ठीक है। फिर से रीसेट, फिर से हम 17 को एंट्री मारेंगे, और किस तारीख का, 23 तारीख का, ठीक है, वापस से 23rd September, 9:50, गेट ऑप्शन चेन, ये लो 12 रुपये, ये किए सेल, इधर भी किए मैंने 12 रुपये सेल,
कभी कभी आपको 7-8 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, ठीक है, बट कभी कभी 19, 20, 30 भी मिलेंगे, तो बी लाइक दैट। ये देखो यहाँ पे 4 और 23 हो गया है, तो मैं कॉल के 4 को बुक करके कहाँ पहुँचूँगा, 23 रुपये का कॉल बेचना है मुझे, ये मैं गया, ये लो 23 की जगह ये हमने 21 का बेचा है। अपना ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, उसको दिमाग को शांति रखना है और काम करते रहना है। 19 एंड 38 हो गया है, ठीक है, अभी जस्ट वो हुआ है 21, 42, 20, 48, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, 900 रुपये का लॉस था, आपने 23 और 21 करके उसको मैनेज किया, ठीक है, 17-200 का पुट था, 17-500 का कॉल था, आपने अगले ही 30 मिनट में क्या हुआ, देखो अगले ही 30 मिनट में करंट प्राइस इसका 19 और इसका 38, 5,000 चल रहा है, ठीक है। अब ये बताओ आपका 10 लाख का वो है, 2% का लॉस कितना होता है 10 लाख का, 20,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो जहां तक मैं हूं, मैं 20,000 के आसपास, 2% के लॉस के आसपास इसको झेलने को रेडी हूं, मैं अभी इसको एक बार मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। तो 19 की जगह मैं 19 को बुक करूंगा, पहले तो कहाँ गया, ये रहा 12 का जो 19 है ये ना, हाँ 19 रुपये इसको बुक करूंगा, और मुझे यहाँ पे 40 का प्रीमियम डालना पड़ेगा पुट की तरफ से। तो मैं यहाँ गया और मैं 40 का, ये रहा सेल। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों में लॉस हो रहा था, कैसे, इसका मतलब है वॉलिटिलिटी इंक्रीज कर गई है, उसकी वजह से ये हुआ है, करेक्ट, ओके। चलो वापस से 30 मिनट, 6,000 का लॉस, प्रीमियम देखते रहा करो, 48, 34 चलेगा इतना, 39, 36, 28, 43, 27, 42, 27, 40, 27, 43, 24, 56, 21, 63। ये देखो अब ये गैप वापस से इंक्रीज हो रहा है, और एक चीज़ और याद रखो कि यहाँ पे प्रीमियम भी देखो 17,400 का वो फ्यूचर चल रहा है, आपने जो कॉल बेचा है 750 का है, और 350 का पुट है, तो आपका पुट में कोई मूवमेंट नहीं है, फ्यूचर पुट के पास है नीचे की तरफ, मतलब मार्केट ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, मार्केट नीचे की तरफ आई है और ग्रीक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो पुट है वो इंक्रीज करके बहुत आगे निकल गया है और कॉल कम है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉल को इस पुट के प्रीमियम के आसपास रखना पड़ेगा। तो पहले मैं इस कॉल को बुक करता हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, 21 का 21, ये रहा सिमिलर प्रीमियम है, 21 के 21 पे क्लोज हो गया ये, और मुझे इसकी जगह मैच करना पड़ रहा है पुट नियर टू 63 रुपीज़ के आसपास का, ये लो। तो बिल्कुल हम कहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमने हमेशा बात की है, अच्छा सॉरी, हमें कॉल बेचना है, तो ये हमने डिलीट मारा, हम ऑप्शन चेन पे गए, वी नीड अ कॉल ऑफ 50-60 रुपीज़, तो 67 ज़्यादा हो जाएगा, हमेशा प्रीमियम से थोड़ा कम, और ये मैंने वापस से सेल किया है, एंड लेट्स गो 41.99, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि क्या वो पार निकल गया है, फ्यूचर प्राइस 17.389, ठीक है, हम कहाँ पे हैं, 600 का कॉल है एंड 350 का पी है, मतलब मेन गेम कहाँ हो रहा है, मेन गेम पी के साथ हो रहा है, पी में हमें लॉस हो रहा है, तो हमें पी अब बिल्कुल हमें स्ट्रेडल के पास पहुँचना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 41 ये किया मैंने 41, और अब हम देखते हैं 99 का कॉल कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बिल्कुल एट द मनी, जहां पे दोनों मैच करेंगे, ये रहा 92, अभी भी मैच नहीं हुआ है, इट इज जस्ट ऑलमोस्ट नियर दैट, ओके, जस्ट ऑलमोस्ट नियर दैट है 99, 92, ये लो देखो लॉस 16,000 से सीधा 9,000 पे आ गया विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। 86, 90, 85, 93, 93, 80, 101, 70, 74, 86, कोई दिक्कत नहीं है, 81, 78, 62, 90, लॉस 4,000, 48, 103। अब ये देखो ये कॉल 103 हो गया है एंड पुट 48 बचा है, तो अभी मैं जाके पुट से निपट रहा हूँ थोड़ा सा, ये रहा
34 का 48, ये मैंने निकाला इसको 48 पे, ठीक है। और मैं 103 के आसपास का पुट, 103 के आसपास का पुट बेचता हूँ, 106, ये लो, बिल्कुल ही जस्ट इन द मनी, जस्ट जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। 2300 रुपये का लॉस बचा है, अब 112.93, चलो इसको जल्दी से निपटाते हैं, ये लो 53.34 आ गए हैं हम, 1700 रुपये बचे प्रॉफिट में आ गए हैं हम, लगभग कितने के लॉस से, ये देखो, और हम इस जगह पे आके फंस गए हैं। तो अभी यहाँ पे पीएनएल में आप देखोगे कि आपके प्रीमियम्स का गैप क्या है, 34 एंड 157, करेक्ट, 34 एंड 157 का गैप बचा है और आप 1700 रुपये प्रॉफिट में आ गए हो, मतलब आपको पुट को बुक करना पड़ेगा और आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि कॉल आपका इन द मनी भी चला गया। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख गया है यहाँ पे। तो ये मैंने 34 पे इसको बुक किया और जस्ट गो इन द मनी, जस्ट अ लिटिल, इन्वर्टेड का अ लिटिल। तो अभी जाके हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास प्रीमियम उतना है कि हमारे इन्वर्टेड से लोअर हो, ठीक है। तो हमें 157 का पुट, 135, ये लो, अगर मैंने इस 135 को अंदर की तरफ सेल किया तो कितने का गैप आ रहा है दोनों के बीच में, 450 एंड 700, मतलब गैप है 150 पॉइंट का। तो दोनों की प्रीमियम हमारे पास कितनी है ये देख लो बस, यहाँ पे 92 एंड 135, तो 150 से ज़्यादा है क्या ये, हाँ ऑफकोर्स ज़्यादा है, वी कैन डू दिस, ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस, ठीक है। तो ये हमने फिर किया, नेक्स्ट प्रॉफिट हो गया 3500, कोई दिक्कत नहीं, चलो डायरेक्टली एक दिन आगे कर देता हूँ मैं, आगे बढ़ो, ये लो अगले दिन -20,000 हमारा SL हिट। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या, ये लो 7,000 का प्रॉफिट उसने एक दिन पहले ही दे दिया था। अब यहाँ पे आओ, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो इन्वर्टेड तक नहीं जाना चाहते। अब ये देखो यहाँ पे जब आप थे इस जगह पे, आपको उसने 7,000 रुपये का प्रॉफिट दिया इस जगह पे आके, यहाँ पे अब क्या करना चाहिए आपको, इतनी मशक्कत के बाद -16,000 देखने के बाद आपको 7,000 का प्रॉफिट दिखाया, एक होशियार आदमी को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अपनी ट्रेड को कट मार देना चाहिए, ना कि इसके आगे होल्ड करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ इन्वर्टेड स्ट्रेंगल। तो मैंने कितनी बार मना किया कि इन्वर्टेड में मैं जाता ही नहीं हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे इतना बताया कि अगर इन्वर्टेड में जाना है तो यहाँ तक पहुँच जाओ बस, इससे ज़्यादा इन्वर्टेड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके पास क्रेडिट कम होता चला जाएगा और फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो अगर आप चले भी गए हो और मार्केट ने आपको प्रॉफिट में आने का मौका दे दिया है तो उस ट्रेड को काटो एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट, आप टाइम में आगे बढ़ो ना, आप प्रॉफिट के पीछे क्यों भाग रहे हो, टाइम में आगे बढ़ जाओ, आपके पास वापस से एक रेंज आ जाएगी, करेक्ट। तो मैं इसको इसी जगह पे क्लोज करता हूँ, इस 7,000 पे, इन्वर्टेड में हमें घुसने की जरूरत नहीं है, एंड डन, ठीक है। अब एक वीक और दिखाने की जरूरत है क्या मुझे, चलो आखिरी चल रहा है तो पूरा ये महीने ही निकाल देते हैं अपन, और ये लो 30 सितंबर, लंबा वीडियो हो रहा है, सबने अगर वीडियो नहीं देखा ना तो पड़ी समझो पिटाई। ये रहा 30 सितंबर, 9:50 गेट ऑप्शन चेन, कितना हो गया 25 और 7, लगभग 32, ठीक है। चलो वापस से ये लो 12, ये किए 12 रुपये सेल, और ये रहा 10 रुपये इधर ये सेल, ठीक है। 30 सितंबर वाले में भी वापस से ये मैं आ गया PNL पे, डे बाय डे जल्दी से निपटा देते हैं, 5-6, 5-3, 6-3, 1-1, ये लो 30 सितंबर, 6,000 रुपये ये और मिल गए, हो गए अपने 32 + 6, 38,000 रुपीज, डन खत्म, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको पूरा महीना, मतलब सितंबर का पूरा महीना, ये रहा इस जगह से लेके मैंने आपको इस जगह तक, मतलब लगभग 16,900 से लेके मैंने आपको दिखा दिया 17,800 कुछ, लगभग 1,000 पॉइंट, और उसके बाद भी मैंने दिखा दिया आपको लगभग 17,900, मतलब लगभग 1,000 से 1,200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया इन 4 वीक्स, और 4 के 4 वीक्स में कभी कभी बहुत तेज गया, तो हमें वी शेप में संभालना पड़ा। ये था वो दिन जब हमें वो लॉस दिखा था, फिर रिकवर भी हो गया था। ये जो वी शेप आपको दिख रहा है ये है वो फंसने वाली जगह। तो
आपको लेकिन रूल पे ही रहना है और एक लिमिट रखनी है कि कितना क्या करना है। तो अगर आप 10 लाख का अकाउंट है तो हमेशा 2% का वो रखो, 3 लाख का अकाउंट है तो 6,000 रुपये, 10 लाख का अकाउंट है तो अपना 20,000 रुपये, ऐसे करके हमेशा 2% का वो रखो कि अगर 20,000 कभी दिखे तो कोई टेंशन नहीं है, कट मारो आगे बढ़ो फिर मिल जाएंगे। स्ट्रेंगल ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसमें हीरोगिरी बन के कोई फायदा नहीं है, जल्दी से काम करो जल्दी निपटो। टाइमिंग का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि चार्ट भी देखते रहो, चार्ट में कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके हिसाब से भी कभी कभी रिएक्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ डेल्टा और प्राइस के बीच बैठे रहो, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी सीखो जिसकी वजह से आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने में भी आसानी हो। स्ट्रेंगल डायरेक्शनल भी होते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर तेजी से जाएगा तो मैं कॉल दूर का बेचता हूँ, पुट पास का बेच दिया। तो ये सारे भी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें भी एक तरीके से एडवांटेज में हमारे लिए काम करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, एंड ये वीडियो एक तरीके से मान लो सब कुछ है स्ट्रेंगल मैनेजमेंट के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ओके ठीक है। और स्ट्रेंगल आपने मेरे को देखा होगा बैंक अकाउंट्स में डालते हुए, वीकलीज में और मंथली में दोनों में मिक्स करके डालता हूँ मैं कभी कभी, तो दे आर वर्किंग फाइन परफेक्ट, ठीक है। कुछ ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, बस जान लो कि कब एडजस्टमेंट नहीं करना है और निकल जाना है, ओके। तो अभी के लिए धन्यवाद, दुआओं में याद रखना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, एंड थीटा गेनर्स को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय।